देख करके हमन सीखा था, आगे बढ़ा था। और जब ये फिल्म करे के मौका मिली तो बहुत मोला ऐसा लगे सतीश जैन जी के आशीर्वाद मिल गए, बाकी जनता जनार्दन के आशीर्वाद घलो मिली, फिल्म बहुत अच्छा बने। सतीश जैन जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा रहा? सतीश जैन जी के संग काम करके अनुभव के बाद मैं कहा करूँ, मैं 5 दिन रहे हूँ शूटिंग में, और 5 दिन में शूटिंग जिसे शूटिंग टाइम होता है 10-12 घंटे के, तो 10-12 घंटा में सतीश भैया शायद कभी बैठ के कुछ करे, मतलब अतका जुनूनी डायरेक्टर सतीश जी हवे के वो हर एक बारीकी के ध्यान रखते हैं फिल्म में, चाहे करेक्टर हो, कपड़ा हो, लोकेशन हो, स्क्रिप्ट हो, लाइटिंग हो, हर चीज़ में सतीश जी एकदम परफेक्ट, तभी होकर फिल्म कमाल करते हर बार। फिल्म में देखकर लगा आपकी एंट्री से दर्शकों को काफ़ी प्रसन्नता हुई, दर्शक काफ़ी ताली बजा रहे थे, ऐसा कैसे महसूस करते हैं फिर आप? बहुत मजा आई से, बहुत ज़्यादा मजा आई से, और दर्शक मन भर ही सतीश जी फिल्म में नाथे, और ये फिल्म भी एकदम फुल ऑन एंटरटेनिंग फिल्म है, फुल एंटरटेनमेंट है। और सबसे खास बात ये फिल्म के है कि जो लगातार हम कहते रहे कि अलग कॉन्सेप्ट के अलग टाइप के फिल्म बनना चाहिए, तो ये पिक्चर के कॉन्सेप्ट अलग है और मनोरंजन के भरपूर गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। फिल्म में अपने रोल को लेकर? हाँ, इस फिल्म में मतलब चल हट को नो देख ली फिल्म में मैं शारदा देवी बनी हूँ, इस फिल्म के हीरो की माँ बनी हूँ, और ये महिला प्रधान फिल्म है, तो आप लोग आइए देखिए फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है। सतीश जैन जी के साथ आपका काम करने का पहला अनुभव था जी, कैसा लगा उनके साथ काम करके? सतीश सर के साथ मेरे को लगता है कि हर कलाकार का सपना होता है सतीश सर के साथ काम करने का, और मेरा भी सपना था और सपना मेरा पूरा हुआ, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। और सतीश सर वैसे भी तो डायरेक्टर हैं एक नंबर यहाँ के, उनके मुकाबले में भी कोई नहीं है। जिस दमदारी से आपने फिल्म में डायलॉग बोला है और रोल किया है, इसके लिए आपने कुछ खास तैयारी की थी क्या? हाँ, मेरी 1-2 महीने की तैयारी थी, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला था उसके बाद से लगातार मेरा चालू हो गया था, क्योंकि मेरी मम्मी पिछले 20 साल से सरपंच है, तो थोड़ा सा घर परिवार का भी राजनीति माहौल मेरे को मिला था। आपके आने वाले कोई प्रोजेक्ट हो? अभी तो 3-4 फिल्में हैं, लेकिन अभी कब रिलीज होगी क्या, अभी उसका कुछ दिन तिथि तय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।